ऑप्शन दो हैं, या तो बैठकर हम रो लें और या तो इस प्रकार बैठकर इस मुद्रा में उनका नाम बोलें। उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें तुम्हारा होना ही पड़ेगा। जब बात यहां से निकलती है तो अटैक यहां पर आता है। संबंध प्यार का हो तो हिचकियां ही नहीं, इंसान को खींच के लाने की शक्ति बढ़ जाती है। ताकत तो बहुत है मंत्रों में, ताकत तो विधि विधान में है बहुत सारी, पर बताएगा कौन? आज तुम्हें सब सिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी मनचाही करनी हो, या लव लाइफ में दिक्कत हो, रिलेशनशिप में दिक्कत हो, पारिवारिक लाइफ में दिक्कत हो, दिक्कतें अनेक, समाधान एक, वो है लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहां पर पिछले 20-21 सालों से लोग सफल हो रहे हैं। सफल हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है। यहां का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर बात होती है, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होती है साधारण उपाय बताने के लिए। ये यात्रा कुछ दिनों से यूट्यूब पर भी चलाई जा रही है। यूट्यूब पे भी हमारे परिवार में 125,000 लोग हो चुके हैं। ओपन प्लेटफॉर्म पर भी सब लाभान्वित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों का लाभ मिल रहा है। आज की यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको याद दिला दें कि आप क्या करना चाहते हो जीवन में। या तो ये सोच कर बैठे कि समस्या बहुत बड़ी है। देखो, चिंतन ही तो है, ये सोच ही तो है। जैसे हमें बचपन में पढ़ाया जाता था कि मान लो राम के पास इतने रुपए हैं, श्याम को इतने रुपए दिए गए, राम के पास कितने बचे? राम के पास 10 थे, 5 श्याम को दिए, राम के पास क्या बचे? तो जवाब बोलता था 5 बचे। तो बोले 5 वापस करो। तो बोले पैसे तो थे नहीं, वो तो माना गया था ना। तो ये मान्यता ही तो है। या तो तुम ये मानकर बैठ जाओ कि समस्या बहुत बड़ी है, बैठे रहो, चिंतन करते रहो, और सोच सोच करके उसे और बड़ी बना लो, है ना, जो हम और आप सब करते हैं रेगुलर। उसको इतना ज्यादा आप सोचेंगे कि वो सच में ही बहुत बड़ी हो जाएगी समस्या। और फिर कुछ पाखंडी लोग, ये मुल्ला मौलवी, तांत्रिक मांत्रिक और बिना मतलब के पुजारी पंडित, ये तुम्हें और उसको बड़ा करके बताएंगे और बहुत बड़ी समस्या है, तुम और परेशान होना। या तो एक ये तरीका है, है ना, जपा सिद्धिर संशया। या तो तुम बुरे काम को इतना ज्यादा चिंतन करो कि वो बहुत बड़ा बन जाए और तुम उससे बाहर ही ना आ पाओ, जो कि बहुत बड़ी परसेंटेज में लोग कर रहे हैं। और या तो तुम वो करो जो लव विद एस्ट्रोलॉजी वाले बच्चे करते हैं, यहां जो देख रहे हैं वो लोग जो करते हैं वो करो। तुम क्या करो? एक तरफ सोच है कि समस्या बहुत बड़ी है, दूसरी तरफ सोच है कि समस्या है, इनकार नहीं समस्या से, समस्या है पर समाधान भी है। समस्या अगर है तो उसका समाधान भी है। और आज आपको उससे ऊपर उठकर एक व्यवस्था बता रहा हूं, समस्या है तो समाधान ही नहीं है, समस्या है तो एक अपॉर्चुनिटी है। समस्या, कोई भी समस्या, जब एक तरफ समस्या होती है तो उसका दूसरा पहलू समाधान है। वो अपने आप में वो एक अपॉर्चुनिटी है।
आपको याद होगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार चुनाव लड़ा तो लोगों ने उनको चाय वाला कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे आपके जैसे होते तो चिढ़ जाते, वो तो थोड़े थोड़े ज्यादा दिमाग के लोग हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तत्काल जो वो चिढ़ा रहे थे उन्होंने वही कैंपेन शुरू कर दी। नुक्कड़ चाय, ये चाय, वो चाय, चाय वाला ही शुरू हो गया। वो खुद ही को कहने लगे हम तो चाय वाले जी। अभी हमारे यूपी में चुनाव हुआ, एक महापुरुष थे उनके मुंह से गलती से निकल गया बुलडोजर बाबा, लो जी उन्होंने आप वो तो मतलब कैच करने के लिए बैठे हैं, आप कोई समस्या फेंक के मारो और वो फट से कैच करके उसको सजा के आप ही को भेज देंगे। किसी मूर्ख से निकल गया गलती से कि भाई वो तो बुलडोजर बाबा है, उन्होंने क्या किया बुलडोजर को ही अपनी कैंपेन बना दी और जीत लिया बड़ा तगड़ा। तो साहब आपको इस चिंतन के साथ बड़ा होना है, हर समस्या अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है, उसे आप कैस करना जानते हो केवल। अगर आप समस्या में समस्या समझते हैं तो बहुत छोटे, समस्या में समाधान समझते हैं तो ठीक ठीक, फिर समस्या को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं तो आप स्पेशल हो जाते हैं, योगी और मोदी जैसे हो जाते हैं। ये महापुरुष हैं आज के देवता कह सकते हैं आप। खैर मैं उनका गुणान बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक बात बताने के लिए, मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे सब लोगों से मतलब है। समस्याएं सबके जीवन में है, मैं रोज मना करता हूं कि तुम दुखी मत होना, तुम रोना मत, तुम परेशान मत होना, पर तुम वही करते हो बार बार। मुझे सिर्फ उन लोगों से प्रॉब्लम है जो अभी भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। वो 96 वाले लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर वो जो अंडर 4-5% लोग हैं ना, वो मुझे बहुत पेन दे रहे हैं अभी भी। आप सब मेरी बात क्यों नहीं मानते, रोने से अगर काम होता होता मेरे बच्चों तो सच मानना दुनिया का कोई इंसान दुखी होता ही नहीं कभी। रोने से ग्रह नक्षत्र खराब हो जाते हैं, ग्रहों को यह लगने लगता है कि सच में तुम पर उनका प्रभाव पड़ रहा है और वो तुम्हें और ज्यादा परेशान करेंगे और ज्यादा दुखी करेंगे। बल बल को खींचता है, लोहा लोहे को खींचता है और समस्या समस्या को खींचती है। एक दुखी व्यक्ति और दुखी होने के लिए तैयार रहता है हमेशा। एक अमीर के घर में अमीर ही पैदा हो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, यदा कदा होता है कि गरीब के घर में भी कोई अमीर पैदा हो जाता है, कोई ऐसा बच्चा पैदा होता वो अमीर बन जाता है, लेकिन ये कभी कभी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको पता है ऐसा क्यों, क्योंकि गरीब ये मानता ही नहीं है कि उसके घर में अमीर पैदा हो सकता है, उसकी मान्यता ही वही स्थिर है, हम तो किसान हैं जी, हमारा बच्चा तो किसान ही हो सकता है, हम तो टीचर हैं जी, हमारा बच्चा टीचर ही हो सकता है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी हो आपके घर श्रेष्ठता आ सकती है। होत भले के सुत बुरे, बुरे भले से हो, दीपक से का जर परत और कमल की चमा होत। साहब समझने की कोशिश करना, सामान्य के घरों में असामान्य और असामान्य के घरों में सामान्य हमेशा होते रहे, ये नई बात नहीं है। परसेंटेज कम क्यों है, सिर्फ उस मान्यता की वजह से, मान ही नहीं, मानना ही नहीं है। और आपको एक बात बताऊं, हो सकता है तुम सब में से कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग रही हो, पर सावधान होकर के सुनना, अंत तक सुनोगे तो जिनको बुरा लग रहा था सबसे ज्यादा उनको ही अच्छा लगने वाला है। ध्यान से बस समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, शब्दों पर मत जाओ अभी, थोड़ा आगे बढ़ने दो मुझे, फिर तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था, फिर तुम्हें बहुत मजा आने वाला है और तुम अभी मुस्कुराने वाले हो। जरा समझना, एक एक गरीब को इस बात का बड़ा गर्व है कि मैं गरीब हूं। अरे भाई क्यों करते ये, इस बात में कौन सा गर्व है तुम गरीब हो? अरे भैया मैं गरीब हूं, मुझे ठीक है, मुझे ऐसे ही रहने दो। अच्छा जी, थप्पड़ नहीं मारे तुमको गरीब रहने देने पे? क्यों गरीब रहना चाहते हो, अमीर बनो, श्रेष्ठ बनो, अपनी मूल्य बढ़ाओ, अपनी कीमत बढ़ाओ, अपनी क्षमता बढ़ाओ। एक पानी की बोतल सामान्य दुकान पर 20 रुपए की और अच्छी जगह पे 50 रुपए की और एयरपोर्ट पे 70 रुपए की, 100 रुपए की, 170 रुपए तक पानी की बोतल है, कुछ अंतर नहीं है, जगह की, सोच की, व्यवस्था का अंतर है मात्र। वही पानी की बोतल जब तुम्हारे घर में थी तो 2 रुपए की थी,
वही दुकान पर पहुंची तो 20 रुपए की हो गई, पिक्चर हॉल में पहुंची तो 50 की हो गई, एयरपोर्ट पे पहुंची 70 से 150 रुपए हो गई। और ये रुका नहीं, ये सिलसिला यहीं समाप्त नहीं हुआ, अब तो और विश्लेषण आने जा रहा है और तेजी से आ रहा है। अब तो बड़े लोग कहने लग गए हैं कि जब तक वो बोतल 200-400-500 रुपए की नहीं हो तब तक हम नहीं पीते, हम तो ऐसा पानी पीते जिसमें केवल मिनरल ही होता है। और नया शगुफा शुरू हो चुका है। तो व्यवस्था उतनी ही है, चीज उतनी ही है, वो मूल्य उसका उतना ही था, स्थान उसका बदलने से, सोच उसकी बदलने से, चिंतन में परिवर्तन आने से सब चेंज हो गया। गर्व मत करो अपनी समस्याओं पर, समाधान पर गर्व करो। तुम गरीब हो, तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें मुसीबत है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है, अरे खत्म हो जाएगी, ये कौन सा बड़ा काम है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर की नई कहानी लिखेंगे ना हम अपनी तरीके से। सोच बदलेंगे तो सब बदलेगा, हम बदलेंगे तो सब बदलेगा। अम ब्रह्माष्टमी दुति यो नास्ति, ये इसलिए नहीं कहा गया कि अभिमान करो, इसलिए ये कहा गया कि हम कर सकते हैं, हमें वो क्षमता है, हमारी नाभि में भगवान ब्रह्मा, हृदय में विष्णु और मस्तिष्क में भगवान शिव विराजमान है। इतनी देवताओं को लेकर हम घूम रहे हैं और हम अपने आप को सामान्य नहीं समझ रहे, हमसे खराब कोई है ही नहीं। नहीं बच्चों, यहीं से सावधान, इसी जगह से जाग जाओ, एकदम तुम सामान्य नहीं हो, तुम्हें परमात्मा ने अपने ही हाथों से बनाया है, तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया उसने। सब अपवाद है, एक ही विवाद है कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है। इस विवाद पर पूरे जीवन लड़ो और फिर देखना तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। तुम वही हो जिसे कभी किसी ने पसंद किया था, तुम वही हो जिसके लिए कोई जान दे रहा था, तुम वही हो जिसे पाने के लिए कोई विवश हो रहा था, तुम वही हो जिसे जिसके सामने लोग घुटने पे आ गए थे, तुम वही हो जो कुछ भी कर सकता था। अब क्यों हैरान हो बच्चे, तुम फिर से वही होगे, अभी भी तुम वही हो। तो अब अभी संकल्प कर लो कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें नहीं दुखी होना, आज मैं तुम्हें बढ़िया सलूशन बता रहा हूं, अच्छा साधन लेकर आया हूं। मन शुद्धि आत्म शुद्धि आसन शुद्धि समाहित हो मंगलम यस्य साक्षम स्यात् नावर्धम ना भविष्यते। वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, एक से दो, दो से चार, चार से छह, बारह, अठारह, पंद्रह, बीस, पच्चीस, पचास, सौ बनता है, क्रम है ये। बस तुम चल पड़ो, जिधर चला रहा हूं, जैसे तुम्हें बढ़ा रहा हूं, तुम बढ़ना शुरू तो करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, दस लोग नहीं, दो चार पांच हजार, दस हजार भी नहीं, दो चार छह दस लाख भी नहीं, 20-25 लाख लोग ठीक हो चुके हैं मेरे बच्चों। तुम तो बस अकेले ही परेशान हो, इतनी कौन सी ही समस्या लेकर तुम बैठे हो जिसे ठीक किया नहीं जा सकता। हाँ हाँ, तुमसे ही कह रहा हूं, तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुम्हारी कसम तुमसे बात कर रहा हूं, तुमसे प्यारा कोई और है ही नहीं इसके लिए कसम खाए, सिर्फ तुम ही हो हमारे लिए और तुम्हें ही ठीक करना चाहता हूं। अब बारी सिर्फ तुम्हारी है। इलंतलानी फिर बढ़ाऊंगा आगे, कल फिर बात करेंगे इस पर, ऐसी ही बहुत सारी बातें मैं रोज तुम्हें बताता रहूंगा। अब सीधा तुम्हें उपाय की बात कर रहा हूं, आज एक ऐसा उपाय कि इस प्रकार से बैठकर उनका नाम लेना, उन्हें तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। इस आसन पे, इस मुद्रा में, इस व्यवस्था में, इस सिस्टम में, इस वेग में, इस प्रवृत्ति में, इस सोच में बैठना उन्हें तुम्हारे पास होना ही पड़ेगा, तुम्हारा ध्यान करना ही पड़ेगा, तुम्हारे बारे में सोचना ही पड़ेगा, तुम्हारा ही होना पड़ेगा। अब जान लीजिए पूरा तरीका, उसके पहले आपके बीच का अगर खोले रहे हैं वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी प्रणाम, आपके आशीर्वाद से मेरा सब काम हो रहा है, और गुरु जी आप न होते शायद मैं इतना पॉजिटिव नहीं हुआ होता,
गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा लफ्जों में मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ गुरु जी, आपकी बातों से मैं बहुत आकर्षित हूँ बहुत, नहीं तो मेरा तो सब सिस्टम बिगड़ चुका था। और आपके आशीर्वाद से मेरा सब कुछ हो रहा है, जब तक से कि मैं पूजा कराऊ हूँ और बेस्ट हो गया हूँ। और मैं जितना उपाय आप बताए थे गुरु जी उतना मैं कर पाया और मैं पॉजिटिव हो गया। आपको धन्यवाद, थैंक यू गुरु जी सो मच। गुरु जी थैंक यू सो मच टू यू, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद, खूब अच्छे रहो। तो अच्छे सच्चे और बच्चे बनो, ये सब तुम्हारी इच्छा है। बहुत धन्यवाद। आज मैं जो तरीका जो ढंग सिस्टम व्यवस्था बता रहा हूं उसे बहुत गौर से समझना, ये अपने आप में आपको आपसे जोड़ने वाला काम है। आपको पद्मासन लगाकर बैठना है, पद्मासन पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके बैठने को कहते हैं। एक पैर उठाकर अपनी थाइस पर रखिए, फिर दूसरा पैर उठाकर दूसरी थाइस पर रख लीजिए, इसको पद्मासन कहते हैं। पद्मासन में बैठकर आपको बहुत गौर से एक मुद्रा बता रहा हूं, इस मुद्रा का निर्माण करना। ये मुद्रा अपने आप में बहुत स्पेशल मुद्रा है। इस मुद्रा को बनाने के लिए मैंने एक आध बार पहले भी बताया है, लेकिन नवरात्रि में इसका बल, इसकी ताकत, इसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आज इस मुद्रा में एक विश्लेषण बता रहा हूं, आज इस मुद्रा का एक स्पेशल तरीका बता रहा हूं आपको करना। इस मुद्रा को बनाने के पहले अपनी पहली उंगली और दूसरी उंगली इस प्रकार से सीधी कर लीजिए और एक पूरा ट्रायंगल बना दीजिए आधा, मतलब एक उंगली के पोर से शुरू करिए, नीचे लाइए और फिर सीधा अंगूठे की तरफ ले जाइए। ऐसा ही इस हाथ में भी कर लीजिए। ये आप किसी भी शुभ वस्तु से करें, अष्टगंध, रोली, चंदन, केसर इत्यादि से। अब आपको करना यह है कि ये हाथ ऐसे बनाइए, बंद कर लीजिए और ये दो उंगलियां ऊपर खोलकर आपस में जोड़ दीजिए और टाइट रखिएगा इन उंगलियों को, में थोड़ा दबाव पड़ने दीजिएगा और अंदर की ओर अंगूठा सीधा इस प्रकार से जोड़ लीजिए, सीधा करके स्ट्रेट, बिल्कुल अंगूठा सीधा होना चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अंदर साइड से आपको ये ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा, मैं नहीं दिखा पा रहा हूं आपको, पर अंदर साइड से ये पूरा ऐसा ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा और इसको आपको अपने शीश पर रख लेना है, जैसे कोई मुकुट पहनता है, शीश पर रख करके अपने पार्टनर का नाम मन ही मन 7 बार उच्चारण करना है और उसके बाद आपको बोलना है अहंकारी सृष्टि रूपाई, रुक जाना है, हृंकाली, एक एक जो बताता जा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही, अहंकारी सृष्टि रूपाई हृंकाली प्रतिपालिका क्रिम काली काम रूपुण्य बीज रूपे नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप बगल में लिखा है, आप पढ़ करके भी कर सकते हैं। बस एं क्लीम क्लीम तीनों अक्षरों पर रुकना है, अहंकारी सष्ट रूपाये रुक जाइए, फिर दूसरी लाइन बोलिए फिर रुक जाइए, फिर तीसरी लाइन बोलिए रुक जाइए, फिर बीज रूपे नमोस्तुते। और ये सब बोलते बोलते आपकी ये मुद्रा बनी रहनी चाहिए और मस्तक पर रखे रहना चाहिए। अंत में इस मुद्रा को प्रणाम कीजिएगा दोनों आंखों में, मस्तक में, कंठ में, हृदय में लगा करके थोड़ी देर अपनी मनसा अपनी इच्छा बोलिएगा और प्रणाम करके शुभ सोचिएगा ताकि आपका काम हो जाए। अब इसमें ना तो कोई अतिरिक्त सामग्री लगनी है, ना तो अतिरिक्त कोई काम करना है, बस मन से करिए, श्रद्धा से करिए, 1 से 7 बार तक ये काम किया जा सकता है। नवरात्रियों में अधिक फल देता है, वैसे कभी भी सर वर्ष भर किया जा सकता है, शुभ दिनों में मन से करें, श्रद्धा से करें, गुरु भक्ति ध्यान में रहे, क्योंकि कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय
गुरु साधना के बगैर काम नहीं करता, गुरु आदेश के बगैर काम नहीं करता, गुरु से कनेक्शन रहे बगैर काम नहीं करता। जितना आप गुरु के प्रति श्रद्धावान रहेंगे उतना उपाय आपका ज्यादा तेजी से काम करेगा। बहुत मुस्कुरा करके श्रद्धा से विश्वास के साथ करिएगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, जितना ज्यादा हो सके खुद को संभालिए। पर रोइए मत, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, निगेटिव मत सोचिए, सकारात्मक सोचिए। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना है, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना है, सिर्फ खुद का ख्याल रखना है। तुम सिर्फ अपने आप को संभालो, मैं तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, व्यापार को, परिवार को, संसार को, सबको संभालने की जिम्मेदारी ले रहा हूं। ओम नमः शिवाय।